नमस्कार, डेली एडिटोरियल एनालिसिस से संबंधित इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमने जिस एडिटोरियल को लिया है उस एडिटोरियल का शीर्षक है नो कॉपिंग आउट, और इस एडिटोरियल को लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से, और यह एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, मतलब पर्यावरण के रिगार्डिंग। आइए जरा हम इसे देखते हैं विस्तार के साथ। यह एडिटोरियल मुख्य रूप से बेस्ड है कॉप 28 पर। अब जैसा कि हमें पता है कि कॉप 28 का आयोजन दुबई में 30 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है, और यह 14 दिवसीय कॉप 28 है, और इसके अंतर्गत UNFCCC के द्वारा जो तय लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। अब यहां पर क्या आया UNFCCC? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसे ड्राफ्ट किया गया था 1992 में, और यह प्रभावी हुआ 1994 में। और अगर हम मौजूदा स्थिति देखें वैश्विक तापमान के संदर्भ में, तो 2023 सबसे गर्म रहने वाला वर्ष होगा, क्योंकि 2023 में वैश्विक तापमान ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं IPCC मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका यह मानना है कि पेरिस संधि के तहत जो विभिन्न देश इस बात पर सहमत हुए थे कि तापमान वृद्धि की सीमा को 1.5 डिग्री तक बनाए रखा जाएगा, तो उसके लिए इस दशक में, मतलब जिस दशक में अभी हम रह रहे हैं, उस दशक में कार्बन उत्सर्जन में 43% की गिरावट की जरूरत होगी। यहां पर IPCC आया। इस IPCC को स्थापित किया गया था 1988 में, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब यहां पर यह है कि हम यह देख रहे हैं कि 1.5 डिग्री तापमान वृद्धि की ऊपरी सीमा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि इस दशक में कार्बन उत्सर्जन में 43% की गिरावट की जाए, लेकिन इतनी चेतावनी के बावजूद भी इस दिशा में कोई खास प्रयास नहीं हुआ है। और उसके प्रमाण है, प्रमाण देखिए दो हैं। पहला प्रमाण हम यहां पर किसका देख रहे हैं, UNEP की जो ताजा रिपोर्ट है उत्सर्जन से संबंधित, जिसका नाम है उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट। इससे यह पता चलता है कि वैश्विक उत्सर्जन 2019 की तुलना में 1 अरब टन अधिक था। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने यह अनुमान लगाया है कि 2030 से पहले जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी आने की कोई संभावना नहीं है। अब देखिए क्या है कि जब से UNFCCC के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए बातें हुई है, तब से अगर हम देखें तो कई दशकों तक जलवायु वार्ता में जीवाश्म ईंधन के उन्मूलन का उल्लेख करने से विभिन्न देशों ने परहेज किया है। लेकिन हाँ, जो COP26 है जिसका आयोजन किया गया था ग्लासगो में, तो वहां पर कोयला से सृजित होने वाले बिजली को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर सहमति हुई, और उस दिशा में विभिन्न देशों ने ग्रीन फ्यूल या स्वच्छ ईंधन की तैनाती में तेजी लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लेकिन उस कदम को भी एक झटका लगा। वह झटका लगा तब जब रूस यूक्रेन संघर्ष प्रारंभ हुआ, क्योंकि इसने ऊर्जा बाजार में जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनको काफी नुकसान पहुंचाया या उनके लाभ को काफी कम किया है। तो अब यहां पर यह देखना होगा कि जो COP28 जो दुबई में आयोजित किया जाएगा, उसके जो एजेंडे होंगे, उस एजेंडे में कोयला, गैस और तेल के भविष्य को लेकर क्या चीजें कही जाएंगी या उस पर क्या एजेंडा तय होगा। साथ ही साथ इस COP28 में पेरिस संधि के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति का भी जायजा लेना होगा। अब हम बात करते हैं UNFCCC की स्टॉक टेकिंग रिपोर्ट पर। देखिए सितंबर में इसे जारी किया गया, मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, स्टॉक टेकिंग रिपोर्ट की। तो इस रिपोर्ट ने जलवायु कार्रवाई के हर पहलू, मतलब यहां पर है कि जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित या कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, तो उसके हर एक पहलू, हर एक डायमेंशन, जैसे कि शमन, अनुकूलन, वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण, तो इसमें जो कार्य किए जाने चाहिए वह कार्य पर्याप्त नहीं है। रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि की गई है कि पेरिस संधि के प्रति वर्तमान राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं, जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या जिसे हम NDC कहते हैं, इसके अंतर्गत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से नीचे रखने के लिए ये जितनी भी कार्रवाई हो रही वह पर्याप्त नहीं है। अब यहां पर एक आया है क्या, वह है NDC। NDC का फुल फॉर्म होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब यहां पर यह है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए
यह एक गैर बाध्यकारी राष्ट्रीय योजना है, मतलब हम बात कर रहे हैं एनडीसी की, और पेरिस समझौते के प्रत्येक पक्षकार को एक एनडीसी स्थापित करना होगा, मतलब प्रत्येक देश को एनडीसी स्थापित करना होगा और इसे हर 5 साल में अपडेट करना होगा। और ये जो हर 5 साल में इसके अपडेशन की बात हो रही है तो इसे कहते हैं रैचेट मैकेनिज्म। अब जिस एनडीसी की हमने यहां पर बात की है उसमें पेरिस समझौते के अंतर्गत यह आशा थी कि एनडीसी समय के साथ साथ अलग अलग जो देश हैं वह अपनी महत्वाकांक्षा को और ज्यादा बढ़ाएंगे, मतलब यहां पर यह है कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के जो प्रयास हैं उसमें और तेजी लाएंगे। जो पेरिस समझौता है वह अलग अलग देशों पर जिम्मेदारी नहीं डालता है बल्कि कार्बन समन करने के लिए वह सामूहिक जिम्मेदारी की बात करता है, और यही सामूहिक जिम्मेदारी विकसित और विकासशील देश के बीच में एक बहुत बड़ा मतभेद पैदा करता है, या यही वह विवाद का विषय है। वह इसलिए है क्योंकि विकसित देश यह चाहता है कि विश्व के जितने भी देश हैं वह सारे के सारे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रति एक समान लक्ष्य का निर्धारण करें। वहीं विकासशील देश का यह कहना है कि आज जो भी जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याएं हैं उन समस्याओं का मुख्य रूप से जो जनक है वो यही विकसित देश हैं, इसीलिए विकसित देश पर उसकी ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए विकासशील देश की तुलना में। और यही कारण है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने की जो महत्वाकांक्षा है उन महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के पहले से ही या जो सामूहिक जिम्मेदारी है समन की वह विवादास्पद हो जाता है और यह कार्य को और अधिक कठिन बना देता है। और UNFCCC की बैठक में इस मुद्दे पर लगभग हमेशा एक गतिरोध मौजूद रहता है, और गतिरोध इस बात पर रहता है कि किसे अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और वह जिम्मेदारी कैसी होनी चाहिए। उसके बाद अभी हमने यहां पर क्या देखा है, स्टॉक टेकिंग। तो ये जो स्टॉक टेकिंग प्रक्रिया है वह एकीकृत है और समावेशी नीति निर्धारण की बात करती है, लेकिन इसमें एक और भी बात है जिसको रेखांकित किया जाना चाहिए, वह यह है कि विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई के लिए समर्थन जुटाने में रणनीतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त की तैनाती इसके अंतर्गत शामिल है। इसका यहां पर मतलब यह है कि अगर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है तो जो भी आर्थिक क्रियाकलाप हो रहे हैं उन आर्थिक क्रियाकलाप में जिन भी ऊर्जा के संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है ऊर्जा के ये संसाधन पारंपरिक ऊर्जा स्रोत ना हो बल्कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हो, या यूं कहें कि उसमें ग्रीन फ्यूल का उपयोग किया जाए। लेकिन एक विकासशील देश या वैसे देश जो अभी विकास की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं वो उस ग्रीन फ्यूल के वित्तीय भार को वहन नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए उन्हें क्या चाहिए, वित्तीय सहायता चाहिए। और यह वित्तीय सहायता कौन उपलब्ध कराएगा, तो यह उपलब्ध कराएगा विकसित देश, और यही वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत यहां पर बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त की तैनाती की। अब इसका जो प्रावधान आया था वह आया था 2009 के लगभग, तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जापान समेत जितने भी समृद्ध औद्योगिक देश हैं उन देशों ने गरीब देशों को जलवायु अनुकूलन और समन परियोजनाओं के लिए 2020 तक, जिसे बढ़ाकर 2025 किया गया, प्रतिवर्ष $100 अरब देने की प्रतिबद्धता जताई थी। तो कुल मिलाकर अब यहां पर यह है कि जिस COP28 की बैठक 30 नवंबर से अगले 14 दिनों तक के लिए दुबई में आयोजित किया जा रहा है उसके अंतर्गत अब यह जरूरी है कि पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें की गई है और जो महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए हैं, जो महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए हैं, उस पर गंभीरतापूर्वक प्रत्येक देश बातचीत करे और जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की दिशा में पूरा प्रयत्न करें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से केवल विकसित और विकासशील देश ही प्रभावित नहीं होगा बल्कि उससे संपूर्ण विश्व प्रभावित हो रहा है। इसलिए पृथ्वी की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि COP28 के अंतर्गत विभिन्न भागीदार देशों के द्वारा एक सही लक्ष्य का निर्धारण किया जाए और भविष्य में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक सही और रणनीतिक रूप से एक प्रयास किए जाए। इस प्रकार डेली एडिटोरियल एनालिसिस के इस भाग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए एडिटोरियल के साथ। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।